Assalamualaikum, this is Zainab Tariq from Royal Landmark और आज मैं आप लोगों को दो कनाल का ये घर दिखाने लगी हूँ which is located in DHA Phase 6। यहाँ मैं इस वक्त इसके गैरेज में खड़ी हूँ। यू कैन सी इट इज़ अ ह्यूज स्पेस फॉर यू, जहाँ पर गुड अबाउट 6-7 गाड़ियाँ आराम से आ सकती हैं। सो आफ्टर दिस गैरेज वी हैव दिस ब्यूटीफुल लॉन राइट ओवर हियर, जहाँ पर हमें दिखता है कि पूरे ज़मीन पे ग्रेनाइट और एंशियंट स्टोन वर्क का काम हुआ हुआ है। देन देयर इज़ दिस ग्रीनरी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसको इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह जगह पर डिफरेंट कार्विंग हुई हुई है, स्पेनिश स्टाइल पर ये घर तैयार किया गया है। और इसके साथ साथ वहाँ पर एक सिटिंग एरिया मौजूद है। सो राइट बिहाइंड मी देयर इज द मेन एंट्रेंस डोर ऑफ दिस हाउस, जो कि आप देख सकते हैं इट इज ह्यूज और कितना रॉयल लग रहा है ये। मेरे नीचे भी यहाँ पर सेम एंशियंट स्टोन वर्क का काम किया गया है। एंड देयर इज फ्रेंच ड्रॉप सिंगलेयर राइट अबव मी। ऑल्सो देयर इज डिफरेंट प्लांटर्स मेरे राइट लेफ्ट पे भी यूज हुए हैं और लॉन में जगह जगह इसका इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। आते के साथ हमें राइट पे एक पाउडर रूम और लेफ्ट साइड पे ऑफिस मिलता है। देयर इज 2 बेडरूम, 1 लिविंग रूम, 1 ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, अ प्रॉपर किचन एंड अ ब्यूटिफुल व्यू। सो लेट मी शो यू अराउंड। आते के साथ हमें यहाँ पर डबल हाइटेड लॉबी का बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है। देयर इज राइट दिस स्टेयरकेस गोइंग अपवर्ड्स और यहाँ पर बहुत प्यारे पिलर्स का इस्तेमाल किया गया है। हर जगह छोटे छोटे शेंगलियर्स का इस्तेमाल किया गया है। एंड ऑफकोर्स देयर आर ह्यूज शेंगलियर्स राइट अबव। बिल्कुल यहाँ पर बैक साइड पर देयर इज वेरी क्यूट स्मॉल वाटरफॉल भी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस घर का एक एक कोना बहुत खूबसूरती से डेकोर किया गया है। मैं आपको ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम में बहुत खूबसूरत क्रीम और गोल्ड कलर की थीम सेट की गई है, जहाँ पर सारा फर्नीचर पहले से मौजूद है। देयर इज अ 12 सीटिंग डाइनिंग टेबल जो कि बहुत खूबसूरत क्रीम कलर का है। एंड ऑल्सो देयर इज ब्यूटिफुल सोफाज राइट हियर। शेंगलियर्स का इस्तेमाल किया गया है। एंड ऑल्सो देयर इज वुडन टाइल्स यूज्ड ओवर हियर। प्रॉपर पूरा जो है वो स्पेनिश थीम पे बना हुआ है और इसकी सीलिंग भी बहुत खूबसूरत है। ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम से एक दरवाजा किचन की जानिब भी जाता है। मैं आपको किचन के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। यहाँ पर सारे काउंटर टॉप जो है वो ग्रेनाइट के इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर सारी इनबिल्ट अप्लायंसेस पहले से मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ अप्लायंसेस जो है वो ग्रोहे की इस्तेमाल की गई हैं। किचन में भी आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत शैंडलियर इस्तेमाल किया गया है। ऑल्सो देयर इज अ ह्यूज स्पेस ओवर हियर, तो यू कैन मूव अराउंड और आप खुले डुले होकर आराम से अपना काम कर सकते हैं। किचन के साथ साथ अटैच डर्टी किचन और लॉन्ड्री का भी एरिया दिया गया है, सो यू कैन मूव अराउंड और आप अपना सारा गन शान वहां पर समेट के अपने किचन में आ सकते हैं। दिस इज द लिविंग रूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पर मेरे पीछे बिल्कुल देयर इज अ वेरी क्यूट फायर प्लेस और यहाँ पर प्रॉपर सारा फर्नीचर भी दिया गया है। देयर इज अ प्रॉपर सोफाज, यहाँ पर एक हमें स्पेनिश पैटर्न का जो वॉल्स मिलती हैं। एंड देयर इज अ प्रॉपर सीलिंग ऑन द टॉप। ऑल्सो जो यहाँ के शेंगलियर हैं दैट इज ऑफ मेटल। यहाँ के बहुत खूबसूरत पूरी थीम जो है वो क्रीम कलर की दी गई है। एंड द टाइल्स ओवर हियर मैचेस जस्ट द सेम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है। ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस लिविंग रूम बहुत खूबसूरती डेकोरेट किया गया है इसको। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सन रेज जो है वो डायरेक्ट लिविंग रूम में मिलती है। आई मैं आपको नेक्स्ट इसके बेडरूम्स भी दिखाती हूँ। दिस इज़ द लॉबी जो कि दो बेडरूम्स को कनेक्ट कर रही है, जिसके फ्लोर पर बहुत एंशियंट स्टोन्स का काम किया गया है। मैं आप लोगों को पहले मास्टर रूम दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ। आप लोग देख सकते हैं इस रूम में आते के साथ कितनी रॉयल लुक आती है। द इंटायर थीम ऑफ द हाउस इज क्रीम, बट इसमें थोड़ा सा ब्लूइश टच भी दिया गया है, विच इज मेकिंग इट वेरी डिफरेंट। बहुत खूबसूरत शेंगलियर का इस्तेमाल किया गया जो कि थीम के बिल्कुल साथ जा रहा है। ऑल्सो देयर इज द स्पेनिश पैटर्न ऑल ओवर द रूम। आप देख सकते हैं फ्लोर जो है इसके यहाँ तक वुड फ्लोर किया गया और बीच में ग्रेनाइट का टच भी दिया गया है। ऑल्सो सारा फर्नीचर यहाँ पे पहले से मौजूद है। देयर इज दिस ब्यूटीफुल कर्टन्स, ब्यूटीफुल बेड, आपके चेयर्स एंड टीवी एंड व्हाट नॉट। जो ड्रेसिंग टेबल सेट के साथ का है वो भी इंतहाई खूबसूरत है। इट परफेक्टली गोज विद द थीम ऑफ द रूम। लेट्स कम टू द वॉशरूम एंड लेट्स सी हाउ इज द वॉशरूम। ये वॉशरूम है जिसके राइट और लेफ्ट पर प्रॉपर वार्डरोब दी गई है। यहाँ पर दो सिंक दिए गए हैं। एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल ह्यूज जैकूजी राइट बिहाइंड, जिसके बिल्कुल ऊपर टेलीविजन भी दिया गया है, सो यू कैन रियली रियली रिलैक्स। यहाँ पर सारे यूटेंसिल जो हैं ग्रोहे के इस्तेमाल किए गए हैं। ऑल्सो देयर इज अ ब्यूटीफुल शैंडलियर राइट देयर। यहाँ पर शावर रूम सेपरेट दिया गया है एंड द फ्लोर इज ब्यूटीफुल।
जकूजी के बिल्कुल ऊपर एंशियंट स्टोन वर्क भी दिखाया गया है और दो पिलर्स इसको बहुत खूबसूरती से सेपरेट कर रहे हैं। आए अब मैं आपको दूसरा बेडरूम दिखाती हूँ। द थीम ऑफ दिस रूम इज ऑल्सो क्रीम, बट द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट दिस इज कि इस कमरे में आपको बहुत खूबसूरत मिरर वर्क दिखता है। इसकी सारी वॉल्स जो है वो भी स्पेनिश पैटर्न पर डिज़ाइन की गई हैं। ऑल्सो यहाँ पर बहुत खूबसूरत वॉल्स पर काम किया गया है जो कि आप देख सकते हैं। द वार्डरोब्स ऑफ दिस रूम इज डिज़ाइन ऑन अ मॉडर्न वेरी स्टाइलिश पैटर्न, आप देख सकते हैं गोल्ड का बहुत खूबसूरत काम किया गया है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वॉशरूम इज यहाँ पर प्रॉपर सेपरेट बेल्कनी है जहाँ से पूल का खूबसूरत व्यू नजर आता है। सारे अप्लायंसेस यहाँ पर भी ग्रोहे के इस्तेमाल किए गए हैं। देयर इज अ प्रॉपर सेपरेट शावरिंग रूम एंड ब्यूटीफुल सीलिंग। यहाँ से स्टेयरकेस भी फर्स्ट फ्लोर पे जाती है, बट वी विल यूज द लिफ्ट। सी ऑन फर्स्ट फ्लोर। सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर मेरे बिल्कुल पीछे देयर इज़ अ स्टडी रूम। यहाँ पर तीन बेडरूम्स हैं, देयर इज़ अ लिविंग रूम एंड अ सेपरेट किचन। द वेरी नाइस पार्ट अबाउट दिस इज कि यहाँ पर एक साइड पर बहुत खूबसूरत टेरेस है विच इज़ स्पेशियस, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ऑल्सो देयर इज़ अ ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द स्विमिंग पूल राइट फ्रॉम हियर। यहाँ पर बहुत खूबसूरत एक भरा सा शिंगलेयर लगा हुआ है। ऑल्सो उसके साथ बहुत छोटे छोटे शिंगलेयर्स का इस्तेमाल भी किया गया है। यहाँ पर जो आप रूफ है वो देख सकते हैं, दैट इज़ ब्यूटिफुल कार्विंग। यहाँ पर बहुत जगह जगह पे एंशियंट स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है। अब देख सकते हैं मेरे पीछे भी यहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा एरिया दिया गया है। द एवरी कॉर्नर ऑफ दिस रूम इज़ ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। यहाँ पर प्रॉपर एक लुक एंड फील जो इस घर की है दैट इज़ वेरी रॉयल एंड वेरी लग्जेरियस। मैं आप लोगों को एक एक पार्ट इस फर्स्ट फ्लोर का भी दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ। लिफ्ट में आते के साथ राइट साइड पर देर इज़ दिस ब्यूटिफुल रूम जिसकी प्रॉपर पूरी थीम जो है दैट इज़ क्रीम गोल्ड एंड द शेड्स ऑफ ब्लू। यहाँ पर पूरा फर्नीचर भी इनबिल दिया गया है। इसके वॉल्स जो है दैट इज़ ऑल्सो स्पेनिश पैटर्न ब्लू और क्रीम कलर के, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है इस पर। ऑल्सो देर इज़ दिस ड्रेसिंग टेबल जो कि गोल्ड कलर का बहुत खूबसूरत है एंड शीशों का बहुत खूबसूरत काम यहाँ पर भी किया गया है। देर इज़ दिस रॉग ओवर हेयर विच इज़ गोइंग एग्जैक्टली विद द थीम एंड द बेड एंड द साइड टेबल्स एंड ईच एंड एवरी थिंग जस्ट गोज विद द थीम। द सनलाइट कम्स डायरेक्टली टू दिस रूम, आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत विंडो है जहाँ पर एक अच्छे से कर्टन्स लगे हुए हैं जहाँ से सन रेज डायरेक्टली जो है कमरे में आती है। इस बाथरूम में आते के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम थीम फॉलो किया गया है। द इंटायर लुक एंड फील ऑफ दिस इज ऑल्सो ब्लू एंड क्रीम। यहाँ पर भी एक प्रॉपर वार्डरोब एरिया दिया गया है एंड देयर इज़ प्रॉपर टू सिंक्स जहाँ पर ग्रोहे का इस्तेमाल किया गया है एंड देयर इज ऑल्सो अ जकोजी सिस्टम एंड अ प्रॉपर शावरिंग एरिया। एंड हेयर आई एम ऑन द टेरेस ऑफ फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वॉल्स पे एंशियंट स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है। राइट बिहाइंड मी देयर इज प्रॉपर फायर प्लेस, अ वेरी गुड एम्बिशन राइट ओवर हियर। यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ हैं, सर्दियों में चिल करें, गर्मियों में आप जब चाहें बारबेक्यू करें, बिकॉज यू कैन सी दिस अ प्रॉपर सेफ स्पेस जो कि कवर्ड भी है, सो यू गेट योर इंटायर कम्प्लीट प्राइवेसी। So here I am on the first floor living room. The entire look and feel of this is just similar to rest of the house because the theme of this is also cream and gold. ये जो है बहुत spacious है and the entire walls of this had a beautiful carving of Spanish style in it. यहाँ पर भी एक शिंगलेयर दिया गया है जो कि बहुत खूबसूरत है and there is also a proper fireplace here. यहाँ पर सारा फर्नीचर जो है वो pre-installed है। There are sofas, there are coffee tables, television है, rug है, curtains है, AC है and entire furniture. द थीम ऑफ दिस बेडरूम इज़ ऑल्सो क्रीम। यहाँ पर भी सारा फर्नीचर पहले से मौजूद है। द बेडरूम गिव्स ओवरऑल अ वेरी ब्यूटिफुल लुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं देर इज़ अ कार्विंग ऑल ओवर द वॉल्स, एक स्पेनिश पैटर्न इस्तेमाल किया गया है। द सीलिंग ऑफ दिस फ्लोर ऑल्सो हैव अ कार्विंग विच इज़ गिविंग इट अ वेरी ब्यूटिफुल लुक। द इंटायर लुक एंड फील ऑफ दिस रूम इज जस्ट लाइक इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग द हाउस। इस कमरे में प्रॉपर मॉडर्न पैटर्न की वार्डरोब्स दिए गए हैं एंड देयर इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द स्विमिंग पूल फ्रॉम द बालकनी ऑफ द वॉशरूम। यहाँ पर भी सारे अप्लायंसेज जो हैं ग्रोहे के इस्तेमाल किए गए हैं। देयर इज अ प्रॉपर सेपरेट शावरिंग रूम एंड ओवरऑल जो है इस वॉशरूम की थीम भी जो है वो ब्राउन्स में है। अब मैं आपको इस घर की छत दिखाती चलूँ।
प्रॉपर स्पेस यूटिलाइज की गई है यहाँ पर, एक खूबसूरत फाउंटेन दिया गया है, देयर इज अ प्रॉपर फायरप्लेस ओवर हियर, ग्रीनरी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है, फूल दरख्त पौधे घास हर चीज़ लगा हुआ है। ये गेंदे के फूल आप देख सकते हैं जगह जगह पे लगे हुए हैं, टाइल्स दी गई हैं, देयर इज प्रॉपर एंशिएंट स्टोन वर्क ऑन माय लेफ्ट साइड। बैठे यहाँ पर चिल करें, मौसम एंजॉय करें एंड लेट मी शो यू अराउंड। द बेस्ट पॉइंट अबाउट दिस छत इज कि यहाँ तक लिफ्ट आती है, यहाँ पर प्रॉपर बारबेक्यू एरिया दिया गया है, देयर इज दिस अदर सेपरेट फायरप्लेस, ऑल्सो यहाँ पर सिंक भी दिए गए हैं। सो यू नो हाउ थॉटफुली दिस हाउस हैज़ बिन मेड, प्रॉपर ग्रीनरी है, ऑल्सो द टाइल्स ओवर हियर इज ब्यूटिफुल, सो देयर इज अ ह्यूज स्पेस यू कैन यूटिलाइज इन एनी वे यू वॉन्ट। छत के ऊपर यहाँ पर देयर इज दिस सेपरेट एरिया जहाँ पर आई एम सिटिंग राइट नाउ एंड आई फील अमेजिंग बिकॉज पूरे लाहौर में मुझे इस तरह का एरिया नहीं मिलता जहाँ पर एक एक्सक्लूसिव सिटिंग दी गई है। सो यू कैन सिट हियर एंड यू नो आपको यहाँ से लाहौर का दूर दूर तक बहुत ज़्यादा व्यू नज़र आ रहा है। वेलकम टू द बेसमेंट विद मी। हमें बेसमेंट में मिलता है हमारे लेफ्ट साइड पे देयर इज अ स्विमिंग पूल, हमें बेसमेंट में एक थिएटर मिल रहा है, देयर इज अ बेडरूम, देयर इज अ जिम एरिया, देयर इज अ किचन एंड देयर इज अ ड्राइंग रूम। यहाँ पर पूरी सीढ़ियों पे ब्रॉन्ज और गोल्ड का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है, द सीलिंग इज मोरक्कन एंड बिहाइंड मी देयर इज अ शेंगलियर एज वेल, देयर इज अ ब्यूटिफुल स्विमिंग पूल बिसाइड्स मी जिसमें एक खूबसूरत वाटरफॉल भी है। द पिलर्स उनको बहुत ही खूबसूरती से स्विमिंग पूल पे सेपरेट किया गया है, एक बहुत खूबसूरत एम्बियंस नज़र आता है जब आप ऊपर अपने रूम से इसको देखते हैं। ऑल्सो देयर इज अ ब्यूटिफुल यूज ऑफ टाइल्स ऑल ओवर हियर एंड द ब्यूटिफुल शेंगलियर बिहाइंड मी। आई मैं आपको बेसमेंट का लिविंग रूम दिखाती हूँ। This is a beautiful living room of basement. यहाँ पर हमें मिलता है स्पेनिश वॉलपेपर, यहाँ पर बहुत खूबसूरत सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है, ऑल्सो देयर इज इम्पोर्टेड फर्नीचर इंस्टॉल्ड ऑल ओवर। यहाँ पर इनबिल्ट हमें एसी मिल रहा है पहले से, देयर इज अ ब्यूटिफुल मीडिया वॉल ओवर है एंड बहुत ही अच्छे टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। द इंटायर थीम ऑफ दिस रूम इज क्रीम एंड ब्राउन। आई एम इन द बेडरूम ऑफ द बेसमेंट। यहाँ पर पूरे कमरे की थीम जो है दैट इज क्रीम एंड गोल्ड विच इज गिविंग दिस रूम अ वेरी रॉयल लुक। यहाँ पर सारा फर्नीचर जो है वो पहले से मौजूद है, देयर इज टू ब्यूटिफुल चेयर्स ओवर हियर, यहाँ पर बहुत खूबसूरत गोल्ड और क्रीम कलर का बेड इंस्टॉल है, प्रॉपर यहाँ पर जो है स्पेनिश वॉलपेपर्स के इस्तेमाल किया गया है, देयर इज अ रग एंड देयर इज अ ब्यूटिफुल शैंडलियर जिसके ऊपर एक खूबसूरत सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर वुड फ्लोरिंग दी गई है इस कमरे में एंड This is a very luxurious room. ये यहाँ का बाथरूम है जहाँ पर काउंटर टॉप जो है वो ग्रेनाइट की यूज़ की गई है। द नीश ऑफ दिस इज मेड अप ऑफ एंशिएंट टाइल्स। यहाँ पर प्रॉपर एक जकूजी सिस्टम दिया गया है जहाँ से बाहर बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है बेसमेंट का। ऑल्सो देयर इज दिस फायर प्लेस राइट इन फ्रंट ऑफ दैट। प्रॉपर एक बाथरूम एरिया दिया गया है। ऑल्सो देयर इज इन बिल्ट टेलीविजन एंड ए सी एज वेल। यहाँ पर जो अप्लाइंसेज हैं वो ग्रोहे के इस्तेमाल किए गए हैं। दिस इज द किचन जो कि पूरा एक स्पेनिश पैटर्न पर बना गया है। इसके सारे काउंटर टॉप जो है ग्रेनाइट के हैं और इसके बिल्कुल साथ देयर इज अ स्टोर रूम एज वेल एंड ऑल्सो अ रूम फुल ऑफ कवर्ड्स। इजंट द बेसमेंट लिटिल इनकम्प्लीट विदाउट द थिएटर? ऑफ कोर्स, इतना खूबसूरत थिएटर दिया गया है यहाँ पर विद द ब्लैक एंड गोल्ड थीम, एक्सट्रीमली रॉयल लुक। यहाँ पर इन बिल्ट ग्रीक के एसी इंस्टॉल है एंड वेरी कंफर्टेबल थिएटर चेयर्स भी हैं जो कि फ्लेक्सिबली आप इस पर लेट सकते हैं, ईजी हो के आप अपनी मूवी इंजॉय करें, मैचेस देखें, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू हियर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रूम। दिस इज जस्ट अ सेपरेट स्पेस फॉर यू गाइज इन द बेसमेंट। इसको आप अपना जिम बना सकते हैं, यू कैन टर्न इट इनटू योर स्टडी रूम, जैसे भी आप चाहें। देयर इज अ ब्यूटीफुल थ्री मिरर्स और मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड पर बहुत ही खूबसूरत नीश का इस्तेमाल किया गया है एंड अ वेरी ब्यूटीफुल शैंगलियर राइट अबव मी। स्विमिंग पूल के साथ आपको मिलता है एक सेपरेट वॉशरूम एंड टू चेंजिंग रूम, सो यू कैन प्रॉपरली इंजॉय योर स्विमिंग टाइम एंड विद दैट वी हैव टू रिलैक्सिंग चेयर्स विद टेबल जहाँ पर बैठ के आप चिल करें, जूस लें, अपना व्यू इंजॉय करें एंड हैव योर मी टाइम।